ही पेट्रोमाइसोन के बारे में देखते हैं यहाँ पर कि पेट्रोमाइसोन किस तरह से यहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे कैरेक्टर। तो सबसे पहले पेट्रोमाइसोन का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये कहाँ स्टैंड करती है, किस प्लेस पर प्रेजेंट। सबसे पहले बात करेंगे किंगडम की। किंगडम हुआ इसका एनिमेलिया, राइट। उसके बाद बात करेंगे फाइलम की, तो फाइलम हुआ इसका कॉर्डेटा, फाइलम में बिलोंग कर रही है। फाइलम के साथ हम बात करेंगे अगर ग्रुप की, तो ग्रुप है इसका वर्टिब्रेटा, ठीक है, वर्टिब्रेटा ग्रुप से बिलोंग करती है। ग्रुप के बाद अगर हम बात करें कि सब फाइलम की, तो सब फाइलम हम बात करते हैं इसका सब फाइलम होता है एग्नेथा, राइट। सब फाइलम के बाद क्लास की बात करेंगे, तो इसकी क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। इसके बाद ऑर्डर की बात करेंगे, तो इसका ऑर्डर है पेट्रोमाइसोमुशिया। और अगर हम बात करेंगे लास्टली जीनस की, तो पेट्रोमाइसोन, राइट, इस तरह से प्रेजेंट। ठीक है, इनके अंदर हम बोल सकते हैं ईल्स एंड हैगफिशेस जैसी प्रजातियां भी आती हैं, और इनकी बॉडी कुछ कुछ ईल्स के समान ही होती है, ईल्स जैसी ही संरचनाएं रखती है। ठीक है, फाइलोकॉर्डेटा है कॉर्डेट की कैरेक्टर्स, कॉर्डेट की जो लक्षण है वो यहाँ व्यवस्थित रहेंगे। वर्टिब्रेटा, जो वर्टिब्रेट कॉलम वगैरह प्रेजेंट होते हैं वो वाले लक्षण भी यहाँ व्यवस्थित रहेंगे। सब फाइलम एग्नेथा, मतलब यहाँ पे इनकी जो जॉज होंगे, जबड़े होंगे, वो वेल डेवलप नहीं होंगे, वो सुविकसित नहीं होंगे, जबड़ों का यहाँ लॉस होगा। ठीक है, वो यहाँ पे नाजुक फॉर्म में प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे। क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, दैट मींस उनका माउथ जो है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके साथ ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर है पेट्रोमाइसोमुशिया एंड जीनस पेट्रोमाइसोम। जब हम इनकी स्पीशीज की बात करते हैं तो हमारे पास इनकी डिफरेंट स्पीशीज भी देखने को मिलती है। जैसे अगर हम फर्स्ट स्पीशीज की बात करें तो ये है पेट्रोमाइसोम मेरियाना, राइट। दूसरी स्पीशीज है लैम्प्रेटा फ्लूविडिलिस, राइट। इस तरह से इनकी डिफरेंट स्पीशीज यहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट इनकी बात करेंगे हम इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, क्योंकि ये वितरित कहाँ कहाँ है। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं कि जापान में, चाइना में, अफ्रीका में, इंडियन कुछ पोर्शंस में, लाइक साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी एरियाज में रहती हैं। दैट मींस हम बोल सकते हैं ये सर्वव्यापी हैं, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन प्रकार की हैं, और ये बहुत सारी जगह पर रह सकती हैं। मैराइन वाटर में भी सर्वाइव कर सकती हैं, और जो हमारा फ्रेश वाटर होता है स्वच्छ जल में भी ये जीवित रह सकती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि हैबिट फॉर हैबिटेट, राइट। तो जब हम हैबिट और हैबिटेट की बात करेंगे तो नॉर्मली हम बोल के चलते हैं कि इनकी बॉडी बिल्कुल सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, ज्यादा हमें पंख भी देखने को नहीं मिलेंगे, फिन्स जो होते हैं वो भी ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। सेकेंडली हैबिट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इनकी कैसा नेचर है, और हैबिटेट का मतलब क्या हुआ कैसे आवास में ये रहते हैं। तो आवास की जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये फ्रेश वाटर भी होती है, राइट, और मैराइन वाटर भी होती है, स्वच्छ जलीय भी होती है, और
हैबिट की बात करते हैं तो ये किस फॉर्म में रहती हैं? टॉर्टोइज या जो बड़ी फिशेस होती हैं, लार्ज फिशेस होती हैं, उन मछलियों के साथ ये अटैच फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, कई बार हम देख सकते हैं वो ये जुड़े हुए रहते हैं। मतलब अगर ये सपोज एक लार्ज फिश प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि इससे इसका अटैचमेंट यहां पर रहे। तो ये हमारी है पेट्रोमाइसोन, राइट। और ये कि कोई एडल्ट फिश रही होगी जिससे ये अटैच्ड है जिसके द्वारा, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं कि माउथ के थ्रू, अपने सकर माउथ चूषक के थ्रू ये अटैच, तो अटैच फॉर्म में रहती है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें एडल्ट्स की, तो ये एडल्ट्स कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, आराम से अकेले रह सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं, ठीक है, इजीली ये घूम सकते हैं। सेकेंडली अगर हम इनकी लार्वा की बात करें, शॉर्ट फॉर्म्स की बात करें, तो वो फ्री लिविंग नहीं होते, सेडेंटरी होते हैं और नीचे की तरफ रहते हैं, मतलब बिल बनाकर बिल के अंदर रहते हैं, बिल कारी होते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं बरो लिविंग। लार्वा उन बिलों के अंदर ही रहते हैं और वहां पर अकेले रहते हैं, अंदर की तरफ अटैच फॉर्म में रहते हैं, राइट। ये हमने बोला फ्री लिविंग है, ये सेडेंटरी है, इसी के साथ इनमें सबटोरियल माउथ उपस्थित है, ठीक है। फूड जो लेते हैं ये सीलियरी मैकेनिज्म के थ्रू लेते हैं, सीलिया उपस्थित होते हैं उसके दौरान, उसी के द्वारा ये फूड इजीली ले सकते हैं। दैट मींस सीलियरी मैकेनिज्म वहां उपस्थित रहेगा और उसके द्वारा उनका भोज्य पदार्थ जो है वो एंगल्फ किया जाएगा, अंदर की तरफ लिया जाएगा, ठीक है। सेकेंडली हमने बोला कि ये फ्रेश वाटर भी हो सकती है, मैराइन वाटर भी हो सकती है, तो ये इसी तरह यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अकेले घूम भी सकती है, कहीं अटैच फॉर्म में भी रह सकती है। लार्वा ऑलमोस्ट बरों में बिल में ही रहते हैं, मतलब जो हम बोल सकते हैं यंग फॉर्म्स हैं इनकी, और जैसे जैसे बड़े होंगे ठहरते हुए आएंगे तो ये फ्री लिविंग फॉर्म में रह सकते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स और पोलिनी में डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, ऐसा नहीं है सेम मेल और सेम फीमेल्स उपस्थित, ठीक है, एक के अंदर नहीं है। हर्मोफ्रोडाइट वाला लक्षण में उपस्थित नहीं रहता है, कैसे भी वॉटर पे अपने आप को सर्वाइव कर पा सकते। अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल फीचर्स की या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की, जिसे हम बोलते हैं बाह्य संरचना, राइट। और इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में हम विभिन्न पॉइंट्स को छुएंगे, अलग अलग पॉइंट्स पे बात करेंगे कि किस तरह इनकी संरचना, पर एक बार हम मेल और फीमेल्स को देख लेते हैं किस तरह के प्रेजेंट है। डॉर्सल है फिन, ठीक है, ये फर्स्ट डॉर्सल फिन है और ये सेकेंड डॉर्सल फिन है, ठीक है, ये कॉडल फिन है जो पीछे की तरफ है, ये एनल फिन है। यहां
यहाँ पर आईज प्रेजेंट रहेंगी और यहाँ पर ये गिल स्लिट्स उपस्थित रहेगी, राइट? ठीक है, फीमेल्स भी कुछ इसी प्रकार की होती हैं। यहाँ पे इनमें भी गिल स्लिट्स उपस्थित रहेंगी, डॉर्सल फिन उपस्थित रहेंगे, मेल और फीमेल में एक डिफरेंस होता है जिनसे हम इन्हें पहचान सकते हैं, राइट? और वो डिफरेंस बहुत प्रॉपरली देखने को मिलता है। अगेन ये है कॉर्नल फिन, ठीक है, ये आईज हो गई, यहाँ पर सबकर्स उपस्थित रहेंगे, ठीक है, और ये हो गया सेकेंड डॉर्सल फिन और ये हो गया फर्स्ट डॉर्सल फिन, राइट? इस तरह से दोनों संरचनाएं उपस्थित रहती है। अब मेल और फीमेल में डिफरेंसिएशन कैसे है कि ये वाले जो है ये मेल्स हैं और ये वाली फीमेल्स, क्यों? क्योंकि एनल था, एनल अपर्चर जो है वहां पर एनल फिन प्रेजेंट रहेगा फीमेल्स में और इस जगह पर यहाँ एनल फिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और यहाँ ओव्यूलेटरी पैपिला की उपस्थिति देखी जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है मोस्ट प्रोबेबली मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमने बनाए हैं ये सकर्स हैं जो कि यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में फर्स्ट पॉइंट की, जिसे हम बोलते हैं बॉडी शेप एंड साइज, ठीक है। बॉडी की शेप और साइज किस प्रकार से यहाँ उपस्थित है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, राइट? और सिलेंड्रिकल आकार के उपस्थित होते हैं, बेलन आकार के लिए उपस्थित है, लॉन्गिट्यूडनल है बड़े हैं, बेलन आकार के उपस्थित हैं। अब शेप तो हमें पता है किस तरह की है, साइज अगर हम बात करते हैं तो साइज में हम बोलते हैं अलग अलग की साइज अलग अलग हो सकती है, ठीक है, वो कहाँ रह रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे पेट्रोमाइसोन मैराइनस की बात करते हैं, मेरियाना की बात करते हैं तो ये 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है, वहीं लैम्प्रेट ऑफ लुबियाटेरिस की बात करते हैं तो ये 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और वहीं लैम्प्रेट ऑफ प्लेनरी की बात करें तो ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग तक प्रेजेंट रहती है। हमें क्या देखने को मिला कि जो समुद्र में प्रेजेंट है, समुद्र में रह रही है, वो मछली सबसे लंबी होती है और इससे मैक्सिमम साइज हमें देखने को नहीं मिलती। सेकेंडली लैम्प्रेट ऑफ क्यूबेटेरिस रिवर वाटर में रहती है, वहां पर इसकी साइज 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है और लैम्प्रेट ऑफ प्लेनरी भी फ्रेश वाटर है, स्वच्छ जलीय मछली है तो ये भी हम बोलते हैं 45 सेंटीमीटर से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होती, सबसे ग्रेटेस्ट साइज जो होगी वो इसकी 45 सेंटीमीटर के अराउंड ही प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो फिशेस हैं ये यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। एक चीज और हम जो देखते हैं यहाँ पर कि ये मछलियां जो होती हैं वो समुद्र से मैराइन वाटर से रिवर वाटर मतलब फ्रेश वाटर की तरफ अंडे देने जाती हैं, मतलब एग्स जो ले करती हैं वो रिवर्स में स्वच्छ जल में नीचे की तरफ
सैंड के या फिर स्टोन के बिल बनाकर वहां पर एक्सफोलिएट करती है, एटलीस्ट ये ट्रैवल करती है मैदान से स्वच्छ जल की तरफ, वाटर की तरफ, राइट। इस तरह से इनकी अलग अलग साइज हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी कलर की। बॉडी कलर जो है, इनका जो रंग होता है शरीर का, वो भी अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट है। जैसे अगर हम मान के चले पृष्ठ सतह पर ये उपस्थित है, तो पृष्ठ सतह पर ये ग्रीनिश ब्राउन कलर की होगी या फिर नीले रंग की, ब्लू कलर की भी हो सकती है। वहीं अगर हम अधर सतह और लेटरल पार्श्व सतहों की बात करेंगे तो वहां पे वो व्हाइट या श्वेत रंग की उपस्थित होगी। तो बॉडी कलर यहाँ पर डिफरेंट होता है। थर्ड पॉइंट की हम बात करेंगे, जो कि है बॉडी डिविजन। ये बॉडी का डिविजन किस प्रकार से यहां होता है, राइट। जो बॉडी है वहां यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड रहती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। इन तीनों भागों में बॉडी का डिविजन होता है। सेकेंडली हेड रीजन हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रंक रीजन भी लॉन्गिट्यूडनल होता है। टेल जो होती है वो थोड़ी सी कंप्रेस्ड होती है, पतली होती है पीछे की तरफ से, वहां पर पंख ज्यादा, फिन्स ज्यादा उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो टेल का कंप्रेशन देखते हैं, हम लेटरली कंप्रेस्ड होती है दोनों तरफ से, लेकिन ये दोनों रीजन अच्छे सिलैंड्रिकल स्ट्रक्चर में, संरचना में वहां पर उपस्थित रहते हैं और इनकी उपस्थिति हम यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। अब जब हम बॉडी डिविजन की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट विभिन्न प्रकार की संरचनाएं हमें बॉडी में देखने को मिलती है। जैसे नंबर वन अगर हम बात करें तो बकल फंडल, राइट। और जब इसकी संरचना हम बनाते हैं तो हमें इसकी संरचना बहुत इंटरेस्टिंग सी दिखाई देगी, ठीक है। इसे हम क्या भी कह सकते हैं, कीप भी कह सकते हैं, मुख की, ये बाहर की तरफ ओरल सिराए उपस्थित है, राइट। अंदर की तरफ बात करेंगे तो यहां पर पूरे पे इस तरह से रीजन उपस्थित रहेंगे, अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह के ही संरचनाएं उपस्थित रहेंगी, जिसे मार्जिनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम, पूरे के अंदर की तरफ। वहीं बीच में हम देखेंगे और भी डिफरेंट संरचनाएं, ये अपर टूथ प्लेट होगी, राइट। यहां पर मॉर्निंग टीथ उपस्थित रहेंगे, जैसे हम
ठीक है, पूरे बगल पन्नी में। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी डांग भाग, ये हो जाएगा माउथ। ये हो जाएगी मार्जिनल मेम्ब्रेन और ये हो जाएंगे टीथ, यानी कि नीचे की तरफ लोअर टूथ प्लेट प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, और ये जो संरचना है इसे हम बोलेंगे ओरल फिम्ब्री, ओरल फिम्ब्री उपस्थित रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर संरचनाएं उपस्थित है, बहुत सारे टीथ उपस्थित हैं, ये पूरा बकल फनल है, मुख की है, और यहाँ पर टंग में भी छोटे छोटे टीथ जैसी संरचनाएं उपस्थित रहेंगी, जिनसे ये क्या करते हैं, इजीली हम बोल सकते हैं कि जो भी जंतु जिसको भी ये पकड़ रहे हैं तो उनको ये इजीली फाड़ सकते हैं उन टीथ के। ठीक है, तो ये मोस्टली कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है, हर्बीवोरस नहीं होते, तो ये ब्लड को भी सक करते हैं, और इसी के साथ साथ जो म्यूकस सेक्रीट होता है इनके, जिनको ये पकड़ते हैं उनको भी ये म्यूकस को भी ये टंग के थ्रू लेते हैं। टंग से लेने का काम क्या होता है, ब्लड को लेना और म्यूकस को लेना, और ये जो बड़े बड़े दांत हैं इन दांतों से ये क्या करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, एक एनिमल को तोड़ सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वेल डेवलप्ड जॉज नहीं है, टंग पे जो टीथ होंगे वो दांत जो होते हैं वो अगर घिस जाते हैं तो वापस नए दांत भी आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूरे बगल में टीथ व्यवस्थित है, ओरल सेराइस से ये सकल नेचर के होते हैं, इजीली पकड़ सकते हैं किसी को। ठीक है, और मार्जिनल मेम्ब्रेन यहाँ ये प्रेजेंट है, ओरल सिराई के जस्ट अंदर ओरल फिम्ब्री भी उपस्थित है, जिसे इजीली ये एक एक्शन करके चिपक सकते हैं किसी जंतु से। तो हम बोलेंगे ये एक प्रकार के प्रीडेटर्स हैं, प्रीडेटरी नेचर रखते हैं और कार्निवोरस हैं, जो कि मांसाहारी और अपने प्रे को पकड़ के खा सकते हैं इजीली, ब्लड इनटेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बकल फनल की संरचना यहाँ उपस्थित रहती है, राइट, माउथ के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी टूथ प्लेट्स व्यवस्थित रहेंगी, जो जबड़े जो होते हैं वो वहां पर अनुपस्थित है। जब हम इनकी बॉडी की बात करते हैं ना, तो इनकी बॉडी में स्केल्स बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं रहते हैं, स्केल्स उपस्थित ही नहीं होते, तो इनकी बॉडी बिल्कुल चिकनी सी होती है, और वहां पे म्यूकस या ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, ग्लैंडुलर सैक्स जैसे रीजन वहां उपस्थित है। ठीक है, हमने फर्स्ट बात की थी ओरल सर्वाइकल या हम बोल सकते हैं बकल पन्ने की, अब सेकेंड संरचना जो है वो है आईज, राइट, और फिर थर्ड पे हम आएंगे अपर्चर्स। तो आईज की जब हम बात करते हैं तो आईज उनमें बहुत वेल डेवलप होती हैं, और प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं आईज, बहुत वेल डेवलप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की होंगी और प्रेजेंट रहती हैं लेटरल साइड्स में, राइट, पार्श्व साइड में हमें आई उपस्थित दिखती है, वेल डेवलप बहुत अच्छे से देखने में काम आती है। थर्ड हम बात करेंगे कि बॉडी डिवीजन में अपर्चर्स की, और अपर्चर्स में ही हम फर्स्ट अपर्चर देखते हैं जो कि है माउथ। माउथ कहाँ उपस्थित होता है इनका, वेंट्रल सतह पर, नीचे की सतह पर, और वहां से अंदर की तरफ खुलता है जहां पर डिफरेंट टीथ रीजंस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, माउथ से ही एक टंगनुमा आकृति भी निकलती है जिसमें डिफरेंट टीथ रीजंस प्रेजेंट रहते हैं। तो वेंट्रल सतह पर है, खुलेगा, बड़ा माउथ होता है, खुलेगा और अंदर की तरफ एंटर करेगा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। ठीक है, सेकेंड हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे नोस्ट्रिल की, राइट। अब जब हम नॉस्ट्रल की
बात करते हैं तो हम यहाँ देखो इस तरह से संरचना देखते हैं जिसे माउथ है, ठीक है। यहाँ पर आईज उपस्थित है हमने बोला, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे इस तरह नेजल संरचना उपस्थित। तो नॉस्ट्रल खोल किसके द्वारा रहा है? नेजल पोर के द्वारा, नेजल छिद्र के द्वारा खुलता है और बाद में जाके वो नेजल सैक में, नेजल कोश में खुलता है, ठीक है। और वहां पे आगे जाकर एक और संरचना देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, राइट। पीनियल ग्लैंड की संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है और पीनियल ग्लैंड इससे कनेक्टेड रहता है नेजो फेरिंजियल सरफेस होती है, एक सतह होती है वहां से इसका कनेक्शन रहता है। मींस नॉस्ट्रल खुल रहे हैं नेजल पोर्स के द्वारा, अंदर नेजल सैक है और फिर जाके आगे कनेक्ट हो रहे हैं नेजो हाइपोफेरेंजियल सरफेस से, वहां पर कनेक्शन होके पीनियल ग्लैंड की दोनों आईज के बीच में कहीं ऊपर की तरफ यहीं पे ही ओपनिंग होते हैं। तो इस तरह की संरचना यहाँ देखने को मिलेगी हमें नॉस्ट्रल। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिल अपर्चर्स की, गिल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो गिल अपर्चर्स में हम बात करेंगे गिल अपर्चर्स कहाँ थे, आंख आईज जो उपस्थित थे उसके जस्ट नीचे की तरफ वेंट्रल सतह की तरफ हमें गिल अपर्चर्स, गिल स्लिट्स देखने को मिली थी। वो गिल स्लिट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये गिल स्लिट्स कैसे होती है, एक लाइन में अरेंज रहती है और वहीं पे ही गिल पोर्स उपस्थित भी वहीं पे ही खुलते हैं, वहीं पर उनकी उपस्थिति देखी जाती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोका की। तो क्लोका कहाँ खुलता है? क्लोका के अंदर दो तरह की ओपनिंग होती है, एक तो एनल ओपनिंग, एक यूरोजेनाइट ओपनिंग। देखिए ये दो प्रकार की ओपनिंग क्लोका के अंदर खुलती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर खुलती है। दैट मींस डाइजेस्टिव कैनाल जो है वो एनल ओपनिंग के द्वारा वहां खुलेगा और जो उनका यूरिनेटरी सिस्टम है वो यूरिनेटरी यूरिजेनाइटल ओपनिंग के थ्रू वहां खुलेगा। क्लोका के अंदर दोनों अपर्चर्स खुलते हैं, ठीक है, दोनों एनल अपर्चर्स और यूरिजेनाइटल अपर्चर्स छिद्र जो होते हैं वो खुलते हैं और यहाँ पर दोनों आकर ओपनिंग देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसरी पोर्स की। तो ये ट्रंक भाग में उपस्थित होते हैं लेटरल साइड्स में और लेटरल लाइन सिस्टम्स के रूप में व्यवस्थित रहते हैं जो क्या करते हैं, सेंसेस देते हैं, कुछ सेंसेस देकर आते हैं इन तक और उनके कारण इस जंतु को पता चल जाता है कि आसपास का वातावरण कैसा है। तो राइट अपर्चर्स में हमने माउथ पढ़ा, नोस्ट्रल पढ़ा, गिल अपर्चर्स पढ़े, क्लोका पढ़ा और सेंसरी पोर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में बी पॉइंट की फिन्स। इसी में डी पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट फिन्स। फिन्स को हम अगर देखें तो लैम्प्रेटा प्लेनराई में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर जो फिन्स होते हैं वो अयुग्मित प्रकार के होते हैं, दैट मींस हम बोल सकते हैं अनपेयर्ड टाइप के फिन्स को पास। ठीक है,
अयुग्मित प्रकार के फिन्स हैं, दैट मींस यहाँ पर पेल्विक शोनी पंख जो होते हैं, पेल्विक फिन्स, पेक्टोरल फिन्स, ठीक है, ये सारे फिन्स यहाँ पर उपस्थित हमें नहीं दिखेंगे। हमें फिन्स सिर्फ कहाँ कहाँ दिखते हैं, डॉर्सल फिन्स, पृष्ठ सतह पर दो फिन्स उपस्थित होते हैं, एक फर्स्ट डॉर्सल, एक सेकेंड डॉर्सल, और ये दोनों फिन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और पीछे पूंछ वाले भाग में कॉडल फिन्स व्यवस्थित रहते हैं, जो डॉर्सल फिन से कई बार कनेक्शन दिखाते हैं, इसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और एंगल फिन की जो हम बात करते हैं, ये हमने इस स्पीशीज के अंदर ऑब्जर्व किया है कि एंगल फिन फीमेल में उपस्थित रहते हैं, जो एंगल अपर्चर है उसके आसपास, ठीक है, लेकिन मेल्स में, इन्हीं के मेल्स में हम इन फिन्स को देखते हैं कि ये फिन्स क्या हो गए, डीजनरेट हो गए, नष्ट हो गए, इनका नाश हो गया, दैट मींस वो वहां से लॉस्ट हो चुके हैं, और उनकी जगह पर ओव्यूलेटरी पैपिला जैसे ऑर्गन्स हैं, ताकि वो स्पर्म को मेल गैमेट इजीली वहां तक फीमेल्स तक पहुंचा सके, ठीक है, स्पर्म्स को पहुंचा सके। सेकेंडली इनके अंदर फिन रेज भी उपस्थित रहती हैं, और फिन रेज कार्टिलेजिनस प्रकार की होती हैं, कार्टिलेजस स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इनको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ताकि इजीली ये मूवमेंट कर सके। सेकेंडली अगर हम फिन्स के बारे में बात करेंगे, तो एक और चीज जो हमें इंटरेस्टिंग सी यहाँ देखने को मिलती है वो ये होती है कि इन फिन्स में हम ये देखते हैं कि इन फिन्स की वजह से यहाँ पर ऑर्गेनिज्म इजीली मूव कर पाता है, इजीली उनकी स्विमिंग हो पाती है, क्योंकि ये फिन्स एक बैलेंस ऑर्गन की तरह भी कार्य करते हैं और उनके मूवमेंट को इजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं। और हमने एक और चीज बोली कि इनमें स्केल्स एब्सेंट रहेंगे, स्केल्स की उपस्थिति नहीं देखी जाती, दैट मींस वो अनुपस्थित ही रहते हैं।